लंदन से समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी उन्नत प्रज्ञा जी गुरु चरणों में पहुंची है और कुछ श्रावक भी वहां से यहां पर पहुंचे हैं। लंदन में जैन विश्व भारती भी है, उस जैन विश्व भारती के ट्रस्टी राजीव शाह भी यहां पर आए हुए हैं। तो राजीव शाह पहले अपनी बात के साथ में यहां उपस्थित हो रहे हैं। परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी, वंदे गुरुवरम। सब साधु साध्वियों, श्रमण श्रमणीयों, सबको मथेण वंदामी। मैं राजीव शाह हूँ और लंदन से आया हूँ और जैन विश्व भारती का लंदन में ट्रस्टी हूँ। जब हम लंदन में हैं, हम नौकार मंत्र गणते हैं तो हमको लगता है कि पंच परमेष्टी बहुत दूर है। अब इधर आ गया तो अरिहंत तो सिद्ध तो बहुत दूर ही है, पर आचार्य सब साधु सब इतना निकट लगता है। हमको इतना बहुत आनंद आया कि आपके आशीर्वाद मिले। वंदे गुरुवरम। अब कहते हैं कि हम लंदन में हैं तो हम अन आर्य देश में हैं, पर जब इधर सब 20 सालों से पहले हमको श्रमणियों का श्रेणी हुआ और जब लंदन आते हैं तो हमको इतना को आध्यात्मिक विकास हुआ, तो हमको इतना बहुत लाभ लिया, तो लगता है कि हम अनार्य देश में हैं पर हम आर्यन है। जैन विश्व भारती लंदन में सब श्रमणी श्रमणी जी आती है तो वो पढ़ते हैं। अभी टुक समय पहले श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञा जी ने PhD किया। पहले जैन सेंट है कि जिसने परदेश से PhD किया, तो ये जैन शासन का गौरव की बात है। वो खुद पढ़ते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। अब जब अब इधर हमके पास सब बच्चे हैं तो वो सब कुछ पूछते हैं कि जैनिज्म के क्या है, वाई ऐसे, तो कुछ दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो क्वेश्चन के लिए वो सब पढ़ते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, हम सबकी समस्या हमको एक्सप्लेन करते हैं। हम वहाँ पे प्रेक्षा मेडिटेशन का शिविर करते हैं। हम वहाँ पे कितना कॉन्फ्रेंसिस होते हैं मल्टी फेथ का, क्रिश्चियन, इस्लाम, और यूके पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंसिस होती है तो वहाँ पे सब श्रमणी जी वहाँ पे जाते हैं, वो हमका जैन धर्म का प्रचार होते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत बहुत आपके आशीर्वाद है। कृतेस ग्योस्मी। गुरु, और बस हमको अभी हम इतने इसके लिए इधर आए हैं कि हम वहाँ पे जैन वर्ल्ड पीस सेंटर का पाया बेस फाउंडेशन कर रहे हैं और हमको ऐसे आशा है कि हमको श्रमणी जी का कॉन्स्टेंट प्रेजेंस वहाँ पे लंदन में होगा और हमको जितना अभी किया तो आगे हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए हमका जैन शासन का बहुत विकास होगा। इसके लिए हम आशीर्वाद के लिए गुरु के पास आए हैं। वंदे गुरु। राजीव शाह ने अनार्य क्षेत्र की बात कही तो विदेश में भी मान लें, अपने भारत में भी कई अनार्य क्षेत्र थे, पर पूज्य प्रवरों की कृपा से वो भी आज आर्य क्षेत्र के रूप में हो रहे हैं। तो अब समणी उन्नत प्रज्ञा जी अपनी बात के साथ में। कल हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदित हुआ। कहा जाता है कि पूर्व दिशा कौन सी, तो जो गुरु की दिशा होती है वही पूर्व दिशा होती है, और कल हमें गुरु की सन्निधि प्राप्त हुई। वह हमें ऐसा लगा कि हम पूर्व दिशा के भीतर ही प्रविष्ट हो गए हैं। आज हम गुरुदेव के श्री चरणों में उस कमरे में बैठे थे,
उपासना कर रहे थे तो गुरुदेव जहाँ विराजमान थे पीछे दीवार पर तेरा पंथ का प्रतीक हे प्रभो यह तेरा पंथ लगा हुआ था। मन में एक प्रश्न उठा कि जब भिक्षु स्वामी ने तेरा पंथ शब्द का चिंतन किया अनुचिंतन किया तो उसके बीज में उसके जड़ में अरहंत भगवान के प्रति जिन शासन के प्रति एक समर्पण का भाव था एक श्रद्धा का भाव था और आज वह तेरा पंथ धर्म संघ एक वटवृक्ष के रूप में खड़ा है और उसके वटवृक्ष होने में उस बीज के में जो सिंचन लगा वह है गुरु के प्रति समर्पण गुरु के इंगित की आराधना। तो जहाँ जिन शासन के प्रति श्रद्धा उस बीज में निहित है और जहाँ पर गुरु के प्रति समर्पण और आस्था निहित है वो दोनों मिलकर के क्या कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी राजीव भाई ने कहा कि अनार्य देश में आर्य भूमि की तरह जो आराधना व संभव है वो गुरु की शक्ति इंगित और अरहंत शासन की एक प्रभावना है इन दोनों की एक जो युति है वही वहाँ पे संभव हो रही है। भंते गुरुदेव तुलसी ने समन श्रेणी की एक नई श्रेणी जो बनाई और श्रेणी का बनाना उसका एक प्रारूप बनाना अपने आप में एक अद्भुत कार्य था किंतु उसे विदेश की भूमि पे में समणी जी को भेज करके जो जिस प्रकार से जिन शासन की प्रभावना हुई है वो एक अनुत्तर कार्य हुआ है। इस क्रम में बहुत सारे उपक्रम हुए विदेश में 4 जैन विश्व भारती सेंटर्स हैं ये एक पहला उपक्रम था। दूसरा उपक्रम उसमें और कड़ियाँ जुड़ती गई तो मायामी में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक जैन चेयर यानी जैन स्टडीज़ प्रोग्राम का एक विदेश की यूनिवर्सिटी में एक शुरुआत होना ये अपने आप में एक दूसरा महत्वपूर्ण उपक्रम है। भंते आप श्री की गुरुदेव की आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की दृष्टि और आप श्री की इंगित के अनुसार एक तीसरा उपक्रम हुआ कि पहली बार एक समणी जी विदेश की धरती में उन्होंने PhD को अकम्प्लिश किया। समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी को ये अवसर मिला और उनका विषय था प्रेक्षा ध्यान के इतिहास को टटोलना और देखना कि प्रेक्षा ध्यान को जिस रूप में आज वर्तमान में है उसके पीछे क्या श्रम लगा है उसकी नींव कहाँ पर है उसको किस रूप में वह किस रूप में सामने आया है। कई बार हम सुनते हैं स्कॉलर से भी सुनते हैं और लोगों से भी सुनते हैं कि प्रेक्षा ध्यान तो कुछ नहीं विपश्यना का ही एक तोड़ा मड़ोरा रूप है किंतु अगर आप इस PhD को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना श्रम कितना सिंचन कितना चिंतन मंथन और साधना इस प्रेक्षा ध्यान को निकलने में लगा है। वैसे गुरुदेव तुलसी का जो उर्वर चिंतन था और पराक्रम था वो पूरे तेरापन धर्म संघ को नया रूप देने में हमें मतलब हुआ है और इसमें प्रेक्षा ध्यान के पीछे जो जैन आगमों का जो निचोड़ है गुरुदेव तुलसी का जो मतलब वरद हस्त था आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का जो की जो साधना और उसमें कितने ही शिविर हुए हैं कितने ही साधु साध्वी इसमें तपे हैं जमे हैं उसके बाद ये निकला है। तो ये जो एक चीज सामने आई है उसमें भिक्षु मतलब भगवान महावीर के काल में ध्यान का क्या रूप था भिक्षु स्वामी जयाचार्य प्रवर ने किस रूप में ध्यान में किस रूप से ध्यान किया किस प्रकार की उनकी साधना थी और वर्तमान में प्रेक्षा ध्यान किस रूप में है तो इतिहास को लेकर के वर्तमान तक ये इस PhD में एक चिंतन मंथन हुआ है। तो आज एक खुशी है एक आह्लाद है जैन विश्व भारती लंदन यहाँ उपस्थित है उसके पीछे कहते हैं कि भाई पहले ज़माने में जब जो सिगड़ी होती थी या जो कुकिंग के गैस होते थे उसमें एक साथ आप बहुत कुछ कुक कर सकते थे चूल्हा जलता था ऊपर रोटी भी पक रही तो साइड में और कुछ भी पक जाता था वो इको फ्रेंडली एक सिस्टम था। तो वह आज हम जब गुरु दर्शन के गुरु सन्निधि में उपस्थित हैं भंते तो हमारा भी एक के साथ गुरु सन्निधि प्राप्त करना तो एक मूल कार्य था ही उसके पीछे और भी ऐसी उपक्रम हैं जैसे समणी जी का प्रतिभा प्रज्ञा जी का PhD का अकम्प्लिशमेंट जैन वर्ल्ड पीस सेंटर का जो एक नया रूप सामने आ रहा है लंदन में उसके लिए भी एक आशीर्वाद एक इंगित एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं।
कई बार लोग प्रश्न करते कि आपकी पीएचडी हो गई है, समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी को प्रश्न करते कि व्हाट नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तेरापन धर्म संघ में इस व्हाट नेक्स्ट का उत्तर है कि जो गुरु की दृष्टि है, जो इंगित है, वही नेक्स्ट है। जो पीएचडी का पूरा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उसमें कई दूसरे जो वहाँ की संस्थाएं हैं, उन्होंने भी आकर के कहा कि हम समनी जी के इस पीएचडी के अकम्प्लिशमेंट को मनाना चाहते हैं। तब जैन विश्व भारती ने ये अपना चिंतन रखा कि मनाएंगे तो हम, जिसको भी जिस रूप में सहभागी बनना है वो अवश्य इसमें सहभागी बन सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाओं ने अपनी सहभागिता इसमें निभाई और गुरुदेव ने महती कृपा करके समनी कुसुम प्रज्ञा जी और चार समनी जी को यहाँ से भिजवाया। दो से चार होते हैं तो आनंद आता है, वहाँ दो से हम छः हो गए, जैसे आपके क्रिकेट मैच में छक्का लगता है तो कितना आनंद आता है, तो वैसे ही हम छः हो गए भंते। और आप समनी कुसुम प्रज्ञा जी जैसे बड़े समनी जी हैं तो उनको भिजवाना हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद ही आया था, ऐसा ही हम मानते हैं। गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ निरंतर रही और जो प्रभावना इस उपलक्ष्य में हुई उसको मैं संक्षिप्त में एक छोटी सी बात से बताना चाहूँगी। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप बहुत चलता है और कई बार व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है उसका स्रोत भी पता नहीं चलता। एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि जैन धर्म में बहुत सारे मंदिर बने हैं और मंदिरों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, किंतु तेरापंथ धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जिसने अपना इन्वेस्टमेंट ज्ञान में किया है। और इस उपक्रम में जैसे अपनी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वो भी एक ज्ञान आराधना का एक विशेष उपक्रम है, और उस कड़ी में एक समनी जी को विदेश भेज करके वहाँ से पीएचडी करवाना, ये अपने आप में विलक्षण है। शब्दावली एग्जैक्ट नहीं है किंतु भाव यही था। तो जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने भी इसमें अपना आह्लाद, अपनी खुशी मतलब व्यक्त की, और ये तेरा पंथ के लिए, जिन शासन के लिए एक अपने आप में एक गौरव की बात थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो साधु समाज या समन श्रेणी है उसमें से पहली बार एक पीएचडी विदेश की भूमि से हुई। भंते केवल जैन विश्व भारती ही नहीं, पूरा लंदन का जैन समाज इसमें सहभागी बना, सबके भीतर एक आह्लाद का भाव था, क्योंकि लंदन निवासी को ये मतलब सबने ये सोचा कि लंदन वासियों को ये मौका मिला, क्योंकि यूके में यूएस में भी पीएचडी हो सकती थी किंतु यूके में हुई, तो लंदन वालों को लगा कि ये तो हमारा अपना सौभाग्य है कि हमारी भूमि पर समनी जी को भिजवाया। को यही विराम देती हूँ कि भंते व्हाट नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु की क्या दृष्टि है, क्या इंगित है, क्या आशीर्वाद है, उसको हम समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपके श्री चरणों में आपकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समर्पित। गुरु कृपा से जिन्होंने एक मंजिल प्राप्त की है, समर्पण परे भावों की प्रस्तुति के लिए समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी। भंते, लगभग पौने दो वर्ष के बाद पूज्य प्रवर के मितावग्रह में आभा मंडल में आकर के कल कुछ अनिर्वचनीय अनुभूति हो रही थी। मन नहीं हो रहा था कि हम गुरुदेव के दर्शन करते ही शीघ्र वहाँ से जाएं। गुरुदेव, दो बूंदें यदि समुद्र के बाहर है तो बूंदों का इतना अस्तित्व नहीं है। हम समुद्र से जुड़े हुए थे लेकिन दूर थे, और यहाँ आते ही हमें ऐसा लग रहा है हम दो बूंद नहीं, हम तो विशाल समुद्र हैं। इस समुद्र के अंग हैं, आपके ही अंग हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये श्वेत वस्त्र को, ऊपर जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए जो यंग जेनरेशन बैठी है उसमें भी कुछ समण बनेंगे, कुछ मुमुक्षु बनेंगे, कुछ साधु बनेंगे। तो गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कुछ समणियाँ साध्वियाँ बनेंगी। तो फ्यूचर इज नाउ, भविष्य कभी भविष्य में नहीं होता,
वर्तमान में ही होता है और गुरुदेव बड़ी सजगता के साथ तेरा पंथ जैन शासन का भविष्य गढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में मेरी जो एक अध्ययन यात्रा 2008 में मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने बैठे बैठे ध्यान कर रही थी और पूछा क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं ध्यान कर रही हूँ, तो गुरुदेव ने कहा अभी नहीं तुम आजकल क्या कर रही हो, मैंने कहा आजकल मैं टमकोर में रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अरे मन में आता है तुम्हें कहाँ ABCD में भेज दिया है, तुमने PhD कर ली, मैंने कहा अभी तक तो नहीं की और अभी कोई विचार भी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम नोट करो प्रेक्षा ध्यान की इतिहास यात्रा के बारे में अभी तक लिखा नहीं गया है, कैसे डेवलप हुआ है, इसके कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं और वह सब, और कैसे आचारांग की परंपरा से जुड़ी हुई ये मॉडर्न अत्याधुनिक पद्धति कैसे विकसित हुई है, इसके बारे में तुम्हें PhD करनी है। मैंने कहा कि यहाँ काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, विदेश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और उस दृष्टि से वहाँ कौन सुपरवाइज़र मिले, तो गुरुदेव ने कहा पीटर फ्लूगल सुपरवाइज़र हो सकते हैं। और उसी वार्तालाप के दौरान युवाचार्य श्री महाश्रमण जी उस समय पधारे, प्रवचन करने पधारने के पूर्व वंदना करने पधारे और गुरुदेव ने आपको फरमाया कि एक रुक्का लिख करके प्रतिभा प्रज्ञा को इन इन बातों के पूज्यवर ने वह रुक्का प्रदान किया। तो मैंने कहा अभी टमकोर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसे मैं बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहती, 5 वर्ष ये यात्रा पूरी करूँगी। और ये 5 वर्ष ये यात्रा पूरी हुई, आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हो चुका था, लेकिन पूज्यवर ने कहा कि तुम्हारे लिए निर्देश था और तुम अध्ययन के लिए लंदन जा सकती हो। गुरुदेव ने वह तो फरमाया ही, साथ में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी और लंदन समाज ने मेरे पहुंचने से पहले समग्र जैन समाज, न केवल तेरा पंथ बल्कि स्थानकवासी, देरावासी, दिगंबर, सभी समाज के सीनियर सिटीजन्स 80+ 70+ लोगों ने मेरी फीस का लाभ उठाया और ये PhD की यात्रा जैपनीज फैमिली से शुरू हुई, जैपनीज फैमिली में रहने का अवसर मिला, बाद में गुजराती फैमिलीज में रहने का अवसर मिला और पूज्यवर की कृपा से ये एक ज्ञान का अनुष्ठान पूरा हुआ। और इसी बीच में गुरुदेव तुलसी का सेंटेनरी ईयर था, शताब्दी वर्ष में आचार्य तुलसी मेमोरियल लेक्चर लंदन यूनिवर्सिटी के सुवास कॉलेज में रखा गया और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष कमल कुमार दुगड़ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा समणी जी यहां अपना सेंटर है, मैंने कहा यहां सेंटर तो फिलहाल नहीं है, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, लंदन जैसे प्रोमिनेंट प्लेस में यदि हमारा सेंटर नहीं है ये अच्छी बात नहीं है और मैं ये संकल्प करता हूँ और मैं इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करना चाहता हूँ। लंदन एक ऐसी जगह है, अमेरिका दूर है लेकिन लंदन के साथ 30 कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी जुड़े हुए हैं और ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर अपना सेंटर होना चाहिए। तो उसकी यात्रा भी शुरू हो गई और आज हसू भाई वोरा जैन विश्व भारती के अध्यक्ष ट्रस्टी राजीव शाह और सुनील दुगड़, आरती जैन आदि यहाँ उपस्थित हुए हैं और वे जैन वर्ल्ड पीस सेंटर का ब्रोशर भी लेकर आए हैं। गुरुदेव की जो दृष्टि थी कि जैन वर्ल्ड पीस सेंटर बनना चाहिए, आज वॉयलेंस से पूरा विश्व कंपायमान है, कोई शांति से नहीं सो रहा है, तो उस अशांति की
ऐसी वेला में जैन वर्ल्ड पीस की और जैन वर्ल्ड पीस सेंटर की बहुत जरूरत है। पूज्यवर, अहिंसा प्रशिक्षण का हमें प्रशिक्षण प्राप्त है और आपकी दृष्टि प्राप्त है। लंदन जैन समाज इसके लिए सन्नद्ध है, लेकिन महासभा और तत्कालीन अध्यक्ष श्री कमल जी दुगड़ ने भी जैसा कहा था उसी के अनुरूप अपनी बात को उन्होंने करके दिखाया। तो अभी एक नई प्रॉपर्टी का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और वह शीघ्र ही जैन वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में अगले साल तक शुरू होने की संभावना है। तो पूज्य प्रवर का ये पूज्यवर का आशीर्वाद, मेरी ज्ञान यात्रा चलती रही, साथ में जैन विश्व भारती लंदन का भी कार्यक्रम चलता रहा और इस यात्रा के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगी कि वहाँ कोई भेद नहीं, सभी तेरा पंथ धर्म संघ के अनुशासन और तेरा पंथ धर्म संघ की मर्यादा नीति निष्ठा पर इतना विश्वास करते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि ये तेरा पंथ की वर्दी पहनकर खड़े हैं। यदि इंडियन पुलिस की वर्दी है, इंडियन आर्मी की वर्दी है, तो वह व्यक्ति भारत का प्रतीक होता है। हम आपकी निष्ठा, आपकी आज्ञा की वर्दी पहन करके जहाँ पर भी खड़े होते हैं, चाहे वह लंदन हो, चाहे वह यूरोपियन कंट्रीज हो, अभी मैंने और समणी उन्नत प्रज्ञा जी ने 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेक्षा ध्यान, जैन धर्म दर्शन से संबंधित, जैन योग से संबंधित पेपर प्रेजेंट किए और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वह युग आ रहा है, जैन धर्म अपनी पहचान बना रहा है। समणी उन्नत प्रज्ञा जी ने कहा कि व्हाट्सएप आया, गुरुदेव तेरा पंथ की जो रीति नीति है, तेरा पंथ का जो निर्माण कार्य चल रहा है, व्यक्तित्व निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके बारे में समग्र जैन समाज चिंतन करता है, एक दिशा पाता है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार ज्ञान के जीवित मंदिर बनने चाहिए। और पिछले ही साल यूएसए में काफ़ी जैन चेयर्स खुले हैं और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये एक नए युग की शुभबगाहट है, नए युग की शुरुआत है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जितनी मॉडर्निटी में जाना है, गुरुदेव ने खुला आकाश दिया है और साथ में हमारे ऊपर समण श्रेणी की चर्या, समण श्रेणी की नियमावली और समण श्रेणी की मर्यादा से, समण श्रेणी के कवच से और तेरा पंथ की रीति नीति से हमें शिक्षित और दीक्षित किया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एक हाथ में धर्म है और दूसरे हाथ में दीप्त विज्ञान है। तो ऐसा लग रहा है एक हाथ में कमल, एक में धर्म, दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है धरती से हिंदुस्तान, लेकर उठने वाला है धरती से हिंदुस्तान। तो पूज्यवर की ये कृपा, ये दृष्टि, ये आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ युग का जो शिक्षण प्रशिक्षण हमारे पूज्यवर में है और पिछले 10 पाठ की श्रुत संपदा, ज्ञान संपदा, चारित्र संपदा का आप में हमें दर्शन हो रहा है और आपकी छत्रछाँव में अगेन मैं सेंट एसीसी का वाक्य याद करती हूँ, लेट मी बी दाई इंस्ट्रूमेंट, लेट मी बी दाई इंस्ट्रूमेंट। हम संघ के विनीत सेवक बने रहें, जहाँ आप नियोजित करें वहाँ हम अपनी ढंग से 100% रिजल्ट आपको दे सके, आपको वह विश्वास दे सके और अपनी सेवाओं को अर्पित करते हुए आपकी दृष्टि, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा और वरद हस्त की सदैव आकांक्षा करते हुए अपनी संयम साधना को आगे बढ़ाते रहें। और लास्ट नॉट लीस्ट, हमारे सामने विराजमान है आपकी एक नई अनुकृति और
मुख्य मुनि यहाँ विराजमान नहीं है, मैं तो पौने दो वर्ष से आई हूँ, तो आपकी दो कृतियों का अभिनंदन, अभिवंदन, अभी इनकी ग्रूमिंग चल रही है, अभी आप इनका शिक्षण प्रशिक्षण करवा रहे हैं, वह भी हमें ही लग रहा है कि हमारा ही शिक्षण प्रशिक्षण है। हम इनके साथ साथ आगे पीछे जहां आप नियोजित करेंगे अपनी सेवाएं देते रहें। भाई बोरा, जैन वर्ल्ड पीस सेंटर का जो ब्रोशर लेके आए थे, गुरुदेव की दृष्टि उस पर पड़े, हसु भाई बोरा, गुरुदेव को भेंट कर दे जैन वर्ल्ड पीस सेंटर का ब्रोशर। ठीक है, अच्छा वो मीटिंग में भेंट करना चाहेंगे, ठीक।